बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट आपको दी गई हैं, इनमें से आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। याद रखें, मैथ्स करते हुए स्टेटमेंट्स को पहले अच्छी तरीके से पढ़ें और उसको सॉल्व करें, ठीक है, और फिर देखें कि वो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू और फॉल्स आती है, नहीं रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है स्केयर रूट ऑफ -3 इनटू स्केयर रूट ऑफ -3 विच इज इक्वल टू 3। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। स्केयर रूट ऑफ -3 इनटू स्केयर रूट ऑफ -3, ठीक है। हमने एक चीज़ पढ़ी है कि -1 का जो स्केयर रूट है वो किसके इक्वल होता है, आयोटा के, ठीक है। और अगर हम बाई स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स करें, ठीक है, आयोटा स्केयर इक्वल्स टू -1 स्केयर का होल स्केयर, ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आयोटा स्केयर इक्वल्स होता है हमारे पास -1 के, ठीक है। आयोटा जो है वो -1 का अंडर रूट होता है और आयोटा स्केयर जो है -1 के अंडर रूट के बराबर होता है, ठीक है। हम इसको जरा थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 इंटू -1, ठीक है, और ये भी क्या है, अंडर रूट ऑफ 3 इंटू -1, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 3 को हम अलग कर लेते हैं और -1 के स्केयर रूट को अलग कर लेते हैं। यहाँ पर भी स्केयर रूट ऑफ 3 को अलग कर लेते हैं और -1 के स्केयर रूट को भी अलग कर लेते हैं, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 3 इंटू -1 का जो स्केयर रूट है वो होता है किसके इक्वल, आयोटा के, दैट इज एन इमेजिनरी नंबर। स्केयर रूट ऑफ 3 इंटू स्केयर रूट ऑफ -1 दैट इज आयोटा, ठीक है। अब हम स्केयर रूट ऑफ 3 को स्केयर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ 3 का होल स्केयर। आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ तो क्या हो जाएगा, आयोटा स्केयर। स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल आउट हो गया, 3 आयोटा स्केयर की जगह हम क्या पुट करेंगे, उसकी वैल्यू दैट इज -1 विच इज इक्वल टू -3, ठीक है। और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड के बराबर तो नहीं आया ना, तो लिहाजा गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखते हैं, आयोटा रेज टू पावर 73 इज इक्वल टू -iota, ठीक है। हम देखते हैं सॉल्व करके कि ये वाकई आती है आयोटा रेज टू पावर 73 -iota के इक्वल या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं, आयोटा रेज टू पावर 73, अब हमारे पास वैल्यू जो मौजूद है आयोटा स्केयर की है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आयोटा रेज टू पावर 73, अब ये इवन नंबर, ठीक है, हम इसको कोशिश करते हैं कि 73 के करीब तरीन जो इवन नंबर है हम उसमें कन्वर्जन करते हैं, ठीक है, ताकि आयोटा स्केयर की वैल्यू आसानी के साथ पुट कर सके। तो आयोटा अब 73 के करीब करीब जो है वो क्या होगा, इवन नंबर से पहले 72, ठीक है, इनटू आयोटा, बेसिक जैसी हो तो मल्टीप्लिकेशन पावर एड होती है ना, तो आयोटा रेस्ट पार 72 इनटू आयोटा रेस्ट पार 1, ठीक है। आयोटा रेस्ट पार 72 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्केयर की फॉर्म में, कैसे, आयोटा स्केयर की पार 36, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 72 आए, दैट इज 36, आयोटा स्केयर की पार 36 विच इज इक्वल टू 72। क्यों किया हमने ऐसा, हमने इसलिए किया ताकि हम आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो पुट कर सकें, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए। आयोटा स्केयर जो है हमारे पास उसकी वैल्यू होती है -1 रेज टू पार 36 इनटू आयोटा। माइनस की पार याद रखें, जब भी इवन नंबर होगी तो माइनस खत्म हो जाएगा, और अगर माइनस की पार ऑड नंबर होगी तो माइनस 7 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 36 है, दैट इज एन इवन नंबर, तो लिहाजा -1 खत्म हो जाएगा, +1 हो जाएगा, इनटू आयोटा। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा, ठीक है। जबकि हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, -iota, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएंगे, नहीं, ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो गिवन स्टेटमेंट इज टर्म्ड एज फॉल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखते हैं, आयोटा रेस टू पार 10 इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब ये आयोटा रेस टू पार 10 -1 के इक्वल होता है या नहीं, हम इसके लिए क्या करते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं आयोटा रेस टू पार 10, ठीक है। अब 10 क्या है, एक इवन नंबर है, लिहाजा आयोटा स्केयर में इसको हम कन्वर्जन आराम से कर सकते हैं, आयोटा स्केयर, ठीक है। आयोटा स्केयर की पार कितनी होगी, 5, 2 5 पावर की पार वापस मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं आयोटा स्केयर की पार 5। अब हमें पता है आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1, ठीक है, यहाँ पुट करते हैं आयोटा स्केयर की जगह -1 होल पार 5।
माइनस वन की पावर फाइव, माइनस की पावर जब भी ऑड नंबर होगी तो माइनस आर आएगा, इवन नंबर होगी तो माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है, दैट इज माइनस वन। ठीक है, अब राइट हैंड साइड देखें क्या है हमारे पास, माइनस वन, हमारे लेफ्ट हैंड साइड माइनस वन के इक्वल आई है, लिहाजा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन का फोर्थ पार्ट देखते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस सिक्स आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन प्लस सिक्स आयोटा। ठीक है, अगर कभी स्टेटमेंट समझ ना आए उसको दोबारा पढ़े, ठीक है, उसको तीसरी बार पढ़े, जब स्टेटमेंट समझ आ जाए तो फिर उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस सिक्स आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज दिस, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये है। ठीक है, अब ये ट्रू या फॉल्स है ये तो हमें सॉल्व करना चलेगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर को आमतौर पर डिनोट करते हैं किससे, जी से, हम लेट कर लेते हैं कि ये जी है, माइनस सिक्स आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट मालूम करते हैं, देखते हैं ये आता है कि नहीं आता। ठीक है, पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख लेते हैं, माइनस सिक्स आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर कीजिएगा माइनस वन, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होते हैं, माइनस वन के। ठीक है, रियल नंबर पहले लिख लेते हैं माइनस वन, और ये है माइनस सिक्स आयोटा, इमेजिन नंबर हमने बाद में लिख लिया। ठीक है, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, जी इज इक्वल टू माइनस वन माइनस सिक्स आयोटा, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, अब इसका हमने क्या लेना है, कंजुगेट। ठीक है, उसको डिनोट करते हैं किससे, जी बार से। कम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होता है, अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस बी आयोटा, ठीक है, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, ए माइनस बी आयोटा। ठीक है, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर ए माइनस बी आयोटा हो तो इसका कंजुगेट क्या होगा, ए माइनस प्लस बी आयोटा। ठीक है, यहां हमारे पास है माइनस वन माइनस सिक्स आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका कंजुगेट होगा माइनस वन प्लस सिक्स आयोटा। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड इसमें इसका कंजुगेट देखिए हमारा है माइनस वन प्लस सिक्स आयोटा, और गिवन क्या था, माइनस वन प्लस सिक्स आयोटा, तो इसका मतलब है कि ठीक है, गिवन स्टेटमेंट इज टर्म्ड एज ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन का फिफ्थ पार्ट देखते हैं, डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ठीक है, और उन दोनों का जब हम डिफरेंस लेते हैं तो वो क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पहले अच्छे तरीके से समझ लें, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, ठीक है, कहता है कि इसका कॉन्जुगेट का डिफरेंस करें तो रियल नंबर आना चाहिए। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस बी आयोटा। ठीक है, ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। स्टेटमेंट में क्या कहता है कि डिफरेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एक रियल नंबर आना चाहिए, तो डिफरेंस मालूम करके देख लेते हैं आता है या नहीं आता। ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इसका कॉन्जुगेट, और डिफरेंस का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या था, ए प्लस बी आयोटा, माइनस इसका कॉन्जुगेट क्या था, ए माइनस बी आयोटा। ठीक है, इनका डिफरेंस मालूम करते हैं, ओपन करते हैं, ए प्लस बी आयोटा, ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है, अंदर दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, ए का भी साइन चेंज हो जाएगा और बी आयोटा का भी। ठीक है, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, बी आयोटा प्लस बी आयोटा टू बी आयोटा। ठीक है, क्या ये रियल नंबर है, नहीं, क्योंकि इसमें आयोटा शामिल है ना, तो ये इसका इमेजिनरी नंबर है, तो लिहाजा गिवन स्टेटमेंट जो उसने कहा था कि डिफरेंस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट इज अ रियल नंबर, नो इट्स नॉट रियल नंबर, तो लिहाजा गिवन स्टेटमेंट इज फ्रॉम एज फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन का सिक्स पार्ट देखते हैं, इफ ए माइनस वन माइनस बी प्लस थ्री आयोटा इज इक्वल टू फाइव प्लस एट आयोटा, ये हमारे पास एक गिवन स्टेटमेंट है, देन ए इज इक्वल टू सिक्स बी इज इक्वल टू माइनस 11, अगर ये कंडीशन लाई करती है तो उस वक्त ए की वैल्यू 6 आएगी और बी की वैल्यू माइनस 11। ठीक है, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि ए की वैल्यू क्या आती है और बी की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, ए माइनस वन रियल नंबर, माइनस बी प्लस थ्री आयोटा दिस इज अ इमेजिनरी नंबर, फाइव रियल नंबर प्लस एट और ये सात क्या आयोटा। ठीक है, तो ये इसका एट क्या आ गया, इमेजिनरी नंबर, दरम्यान में इक्वालिटी का साइन है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि रियल नंबर जो होगा वो रियल नंबर के इक्वल हो जाएगा, यानी a माइनस वन इज इक्वल टू फाइव
और आयोटा का कोफिशियंट यहाँ पर आयोटा के कोफिशियंट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, हमने इक्वेट कर लिया। आयोटा का कोफिशियंट क्या है यहाँ पर खास ख्याल रखिएगा कि माइनस बी प्लस थ्री है। अक्सर स्टूडेंट बी प्लस थ्री लिख देते हैं। ठीक है, आयोटा का कोफिशियंट क्या है माइनस ब्रैकेट में क्या है बी प्लस थ्री इज इक्वल टू आयोटा का कोफिशियंट यहाँ पर क्या है एट। ठीक है, प्लस एट प्लस अगर आप ना भी लिखें तो वो प्लस एट ही कंसिडर किया जाता है। यह आ गई हमारे पास इक्वेशन वन इक्वेशन टू। यहां से हम ए और बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन वन हम ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए इज इक्वल टू माइनस वन को उठाकर उधर ले जाए फाइव प्लस वन माइनस का वन है ना इक्वलिटी के उस जाकर प्लस वन हो जाएगा। ए इज इक्वल टू फाइव प्लस वन दैट इज सिक्स। ए की वैल्यू आ गई। बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर टू को देखते हैं। इसको ओपन करते हैं पहले। माइनस बी माइनस थ्री ब्रैकेट के बाहर माइनस है अंदर साइन चेंज हो जाएंगे इज इक्वल टू एट। माइनस बी इज इक्वल टू माइनस थ्री को उठाकर इक्वल टू के उस भेजें राइट साइड पे ले गए माइनस थ्री प्लस थ्री हो गया। माइनस बी इज इक्वल टू एट प्लस थ्री इलेवन। ठीक है, बी को उठा के उतर लीजिए इलेवन को उठा के देख लिए तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस इलेवन। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई सिक्स और बी की वैल्यू आ गई माइनस इलेवन। गिवन क्या था ए इज इक्वल सिक्स एंड बी इज इक्वल टू माइनस इलेवन। ठीक है, ए और बी की वैल्यू ठीक है, इसका मतलब है तो दिस स्टेटमेंट विल बी टर्म्ड एज ट्रू। क्वेश्चन नंबर वन का है सेवन पार्ट देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एक उसका कंजुगेट है। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है हमेशा। ठीक है, करके देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर यहां दिया हुआ नहीं है लिहाजा हम क्या करते हैं लेट कर लेते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा ए प्लस बी आयोटा या कुछ लोग एक्स प्लस वाई आयोटा भी करते हैं वो भी ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट इसका कंजुगेट क्या होगा ए माइनस बी आयोटा। ठीक है, अब इन दोनों का हमने क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट इन दोनों का प्रोडक्ट करना है ए प्लस बी आयोटा इन टू ए माइनस बी आयोटा। ठीक है, आप लोगों ने फॉर्मूला एक पढ़ा होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, जब भी इस तरह की चीजें आ जाएं तो क्या करते हैं फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। यहां पर भी ए प्लस बी आयोटा इंटू ए माइनस बी आयोटा यही फॉर्म है। क्या करते हैं फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। फर्स्ट क्या है ए सेकंड क्या है बी आयोटा का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस ओपन करते हैं बी स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर कीजिएगा माइनस वन रिकॉल आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखें क्या ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। जी ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर है क्योंकि इमेजिनरी नंबर तो यहाँ पर आयोटा तो शामिल नहीं है ना आयोटा तो खत्म हो गया लिहाजा ये क्या है ये पॉजिटिव भी है और रियल नंबर भी है। ठीक है, दैट इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो गिवन स्टेटमेंट में भी क्या था हमारे पास के प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर ही आया सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन के तमाम पार्ट्स हमारे मुकम्मल हो गए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.6 के रिमेनिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टिल देन अल्लाह हाफिज़।